तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्वेश्चन ये है कि कार्बन, सिलिकन और जर्मेनियम तीनों का लैटिस स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, सिमिलर है, फिर भी कार्बन एक इंसुलेटर है और सिलिकन एंड जर्मेनियम क्या है, वो सेमीकंडक्टर है। ऐसा क्यों हो रहा है? राइट, कार्बन इंसुलेटर क्यों है और सिलिकन एंड जर्मेनियम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्यों है? राइट, तो आपकी रेफरेंस के लिए देखो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना रखा है। राइट, ये डायग्राम क्या है, बेसिकली 3D स्ट्रक्चर है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो हर जो एटम है वो चार और एटम के साथ अटैच होता है इन्हीं एंगल्स पे। राइट, आप वो चाहे कार्बन ले लो, चाहे सिलिकन ले लो, चाहे जर्मेनियम, तो सिमिलर स्ट्रक्चर है, फिर भी कार्बन इंसुलेटर है और बाकी दो सेमीकंडक्टर। राइट, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो रीजन बहुत सिंपल है, रीजन जानने के लिए आपको इनका एटॉमिक साइज देखना पड़ेगा। राइट, कि इनके एटम का साइज क्या है। तो मैंने यहाँ पे तीनों के डायग्राम बनाए हुए हैं। ये कार्बन का एटम है, ये सिलिकन का एटम है और ये जर्मेनियम का एटम। राइट, तो आप देखोगे जो कार्बन का एटम है, राइट, इसके जो आउटर इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले आप ये देखो कि तीनों के आउटर ऑर्बिट में चार चार इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए चार एटम के साथ, चार दूसरे एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो आप अगर कार्बन को देखोगे, ये कार्बन है, तो इसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो क्या है, वो सेकेंड शेल, इसका आउटर मोस्ट शेल है, सेकेंड ऑर्बिट इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट, तो ये न्यूक्लियस से बहुत पास है। राइट, ये न्यूक्लियस से बहुत पास में है। सिलिकन आप देखोगे तो इसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वो थर्ड ऑर्बिट है, और जो जर्मेनियम है इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा है, फोर्थ ऑर्बिट। राइट, तो जो इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है सिलिकन और जर्मेनियम के, ये बहुत दूर है न्यूक्लियस से, तो इन पे क्या होता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है न्यूक्लियस का वो बहुत कम लगता है। राइट, तो इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन्स, सिलिकन और जर्मेनियम के इलेक्ट्रॉन्स, तो इनके जो इलेक्ट्रॉन है सिलिकन और जर्मेनियम के, इनका निकलना ऑर्बिट से रिलेटिवली इजी होता है। क्यों इजी होता है? बिकॉज इनके जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ये थोड़े दूर है तो फोर्स कम लग रहा है, फोर्स कम लग रहा है तो वो इजीली निकल पाते हैं। राइट, और अगर इसको सेमीकंडक्टर बनना है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन का निकलना बहुत जरूरी है। तो दैट्स वाई सिलिकन एंड जर्मेनियम आर इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, और जो कार्बन है वो इंसुलेटर है, बिकॉज जो इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उन पे फोर्स इतना ज़्यादा लग रहा है कि यार वो जा ही नहीं पा रहे हैं।